मेमोरी ट्रिक्स के साथ लर्न करेंगे राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 तक की ये सीरीज है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होने के कारण इसको सिर्फ 19 आर्टिकल को याद कैसे करना है मौलिक अधिकार को, वो लर्न करेंगे इसमें। आर्टिकल 19 में क्लॉजेस भी हैं 6, वो साथ में लर्न करेंगे। उसका नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम। एक टेबल के जरिए हम देखेंगे इस आर्टिकल को, डिस्क्रिप्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहां टाइटल लिखा है मैंने राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। हेडिंग इधर आ गया, मेन जो मेन हेडिंग है वो यहां आ गया। ओके, उसकी क्लॉजेस जो है मेन जो लर्न करना है इसमें वो है 6(1) प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट कंसर्निंग टू फ्रीडम ऑफ, नंबर 1 पर है स्पीच। हमें याद करना है कि पहले नंबर पर अगर पूछा जाता है तो स्पीच ही आए, तो वो आगे चल के करते हैं। अच्छा, तो स्पीच कुछ भी बोलने का अधिकार हमें नहीं है, साथ साथ में कुछ शर्तें हैं या अपवाद है या कंडीशंस हैं कि ऐसा हम नहीं बोलते। सिंपल बात है कि अच्छा बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना। अगर नेगेटिव बोलना है तो उसके लिए मर्यादा का ध्यान रखना होगा, दैट इज वाई ये कंडीशंस है। लेकिन यहां पर कंडीशंस बड़ी हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वो क्या है कि आपके बोलने या विचार प्रकट करने से देश की अखंडता, सुरक्षा, प्रभुसत्ता, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए न्यायालय की अवमानना, ऐसा कुछ ना हो। सो ये फर्स्ट हो गया क्लॉज। सेकंड है, आप असेंबल हो सकते हो लेकिन पीसफुली, विदाउट आर्म्स, हथियारों के बिना। तीसरा है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, हिंदी में संगठन या संघ है। यहाँ एग्जांपल किसान यूनियन की है, जिसके आधार पर इसे सारे को हमने लर्न करना है। ट्रिक को वो बताता हूँ अभी। तो ये मैंने येलो कलर यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है, तो ये बिल्कुल रेपिटेशन है वर्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशन में। जो ऊपर रिपीट करके आया हूँ, बोल के आया हूँ, वही यहाँ रिपीट होगा। फोर्थ है क्लॉज मूवमेंट, आप मूव फ्रीली कर सकते हो, घूम सकते हो, इंटरनल देश के बाहर भी, एक्सटर्नल कनाडा भी जा सकते हो, अमेरिका भी जा सकते हो, वो हमें फ्रीडम है। तो वो मूवमेंट से नेगेटिव क्या ना हो, वो सब कुछ जो पीछे करके आए हैं उसके अलावा प्लस ये है जो ब्लू कलर से किया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा को नुकसान नहीं होना चाहिए अपने मूवमेंट से। ये अनुसूचित जनजातियां यहां पर दिखा दूं थोड़ा सा, कि जब आप घूम रहे हो, मान लो कि आप कहीं जंगल में या ट्राइबल एरिया में गए हैं, यहां ये जो लोग रह रहे हो और आप इनके रहने को या इनके कल्चर को डिस्टर्ब करते हो, तो ये अधिकार आपका नहीं है, ऐसे मूव नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट है रेजिडेंस का 5th। तो ऊपर वाला सब कुछ रिपीट हो रहा है यहां पर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिस्टर्ब नहीं करना, कहीं भी रह सकते हैं, उनके घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसाना। प्रोफेशन कोई भी पेशा कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, वो पेशा इलीगल ना हो, इमोरल ना हो, मतलब के नैतिक हो, सभ्या जो सदाचारिक हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को, फीमेल को बेच नहीं सकते, आप ड्रग्स बेच नहीं सकते, आप विस्फोटक पदार्थ नहीं बना सकते, प्रोस्टिट्यूशन यहां मैंने लिखा है, क्या ये इलीगल है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क में हाई लेवल डिफिकल्टी में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के मुताबिक, इंटरेस्टिंगली, प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल इन इंडिया पर से अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड, हाउएवर सेवरल एक्टिविटी अंडर प्रोस्टिट्यूशन आर पनिशेबल बाय लॉ। तो यहां भी कंडीशन है, कोई भी कर्म आपने करना है तो वो आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिल सकती। यहां पर प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल नहीं माना गया, ये मैं बताना चाहता था, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड। ये तो था आर्टिकल क्या है, उसकी सब क्लॉजेस क्या है, कौन सी क्लॉज किसके साथ जुड़ी हुई है और कंडीशन क्या है। अब इसको लर्न कैसे, माइंड में कैसे रखना है, उसको माइंड में रखने के लिए आपने फोकस करना है जब भी आर्टिकल आता है 19, उसकी शेप को, शेप को लेके हम सब कुछ याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जब इमेज आती है 19, आर्टिकल 19, मैंने क्या एकदम समझा, ये एक है, एक को लिख दिया एक, और ये 19 को क्या लिख दिया, ये मैंने माइंड में क्या बिठा लिया कि ये क्या है, किसान। तो ये एक किसान था, जहां है
वो स्पीच दे रहा है, यहां पर लिख दिया स्पीच नंबर एक। स्पीच को सुनकर बाकी किसान भी यहां पर इकट्ठे हो गए, असेंबल हो गए। असेंबल होने के बाद स्पीच समझ आई तो उन्होंने अपनी फॉर्मल यूनियन रजिस्टर करवा ली। अब यूनियन रजिस्टर करवाने के बाद क्या किया कि वो दिल्ली की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया, इकट्ठे होके फ्रीली विदाउट आर्म्स पीसफुली जाना शुरू कर दिया। तो वहां जाकर जब उन्हें जस्टिस मिल गया तो वो वापस अपने रेजिडेंस आ गए। अब आने के बाद अपने खेतों में अपने ऑक्यूपेशन या अपने प्रोफेशन पर रोज जा रहे हैं। एक स्टोरी है जिससे हम ये सारा लर्न कर सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया कि 19 की फिगर जब सामने आई, आर्टिकल 19, तो ये सारी स्टोरी आ जाएगी। अच्छा, आप कई कई बच्चों को ये या कई कैंडिडेट को ये विजुअल याद रहेंगे, यूनियन बना ली, जैसे मूव कर गए, यहां दिल्ली लिख दिया, फिर वापस आ गए रेजिडेंस को, फिर अपने खेतों में अपने प्रोफेशन में चले गए। आप अपनी कॉपी पर ऐसे लिखोगे, ये मेन एक्सरसाइज है। पिछली एक्सरसाइज इस आर्टिकल को समझने की थी, ये एक्सरसाइज है कि कैसे इसको अंदर रखना है। इसको मैंने और स्ट्रक्चर्ड कर दिया है, वहां पर आप इजीली समझ सकते हो। ये रही वो स्टोरी, ट्रिक्स टू रिमेंबर आर्टिकल 19। याद कैसे रखना है, चलो अब हिंदी में पढ़ता हूं। एक किसान जहां है, एक किसान, अगर एक और ये रहा किसान, 19 से पक्का हो गया। भाषण दे रहा है, देखिए इसको मैंने सर्कल कर लिया कि क्लॉज वन हो गई। अन्य किसान शांति पूर्वक एकत्रित हुए, ये एकत्रित को सर्कल किया है। शांति पूर्वक क्या है, जो अंडरलाइन किया है वो कंडीशन है। तो और एकत्रित हुए वो क्लॉज की मेन फ्रीडम, जो प्रोटेक्शन जिसकी करनी है वो पार्ट है। उन्होंने एक संघ, मेन आ गया ना, तीसरा पार्ट है संघ, जहां औपचारिक संघ बना लिया, पंजीकृत कर लिया। अब वे न्याय के लिए खुलेआम दिल्ली की ओर कूच करते हैं। यहां कूच लिखा है, आप यहां घूम घूम लिख सकते हो, घूम सकते हैं, हमें घूमने का अधिकार है। उन्होंने किसी भी अनुसूचित जनजाति को परेशान नहीं किया, उनको परेशान किए बिना। नंबर 5, न्याय मिलने के बाद वो अपने आवास पर वापस आ गए, जहां वहां भी उन्होंने आवास बना लिया। आप इस स्टोरी को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये किसान मूवमेंट सभी को पता है, तो दैट इज वाई उसके साथ मैंने जोड़ दिया है। अब हर किसान अपने खेतों में जाता है, व्यवसाय पर जाता है, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन जो भी नाम इसको देना है। ऐसे ही इंग्लिश वाले इस स्टोरी से यहां से इसको याद कर सकते हैं। मेमोरी ट्रिक तभी अच्छी तरह काम करेंगे अगर अपनी नोटबुक पर एक बार आप ये स्टोरी लिख लोगे, सर्कल कर लोगे। उसके बाद जब भी 19 आपके सामने आएगा, वो स्टोरी इससे ही चल पड़ेगी, कोई मेमोरी लोड नहीं पड़ेगा। पिछले वीडियो का लिंक भी नीचे होगा और नेक्स्ट वीडियो के लिंक भी नीचे दिए गए होंगे। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं इनके, वो एमसीक्यू क्वेश्चन इनके नीचे अलग से लिंक दे दूं और वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि एक कंसेप्ट समझ आ गया है लेकिन एक आर्टिकल में से अनेक क्वेश्चन बनते हैं, तो उनसे फर्दर लर्निंग होगी, एक्सटेंशन होगी आपकी लर्निंग की। तो अभी तक मैं सेपरेट एमसीक्यू क्वेश्चन बना रहा हूं, नीचे लिंक दिए गए होंगे। कोई सुजेशन हो, फीडबैक हो, कोई कमी हो, मुझे जरूर बताइए। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।